हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दिप्रेशिता शो। तो जब आपकी डिलीवरी होती है और आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हो, तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक्सपीरियंस आपका होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी आपकी बहुत अच्छी होती है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस होते हैं वो इनफैक्ट वेट कर रहे होते हैं इसका कि कब उनकी डिलीवरी होगी, कब वो बेबी छोटा सा हाथ में आएगा, वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे। बट ये सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ, ये सारी अच्छी फीलिंग के साथ साथ, कुछ मॉम्स को ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स भी आती हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम है क्रैक्ड निपल्स की। क्रैक निपल्स में क्या होता है, आपका जो निपल्स है उसमें कुछ क्रैक्स आपको दिखेंगे, कुछ रैशेज आपको दिख सकते हैं, थोड़ी सी रेडनेस आपको दिख सकती है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, आपको थोड़ा पेन हो सकता है, निपल्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कुछ मॉम्स के साथ में आती है। और अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में, फिर क्या क्या रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हो इसको ट्रीट करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या तो क्रैक निपल्स आपके ना हो। और जैसे जैसे आप रेमेडीज़ ट्राई कर रहे हो वो ठीक हो जाएंगे, बट आगे वो क्रैक निपल्स का आपको प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कई बार माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे ही साथ में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी मॉम्स के साथ में आता है। अगर ये आपके साथ में आ रहा है तो ये बहुत नॉर्मल है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मॉम्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब बात करते हैं रीजंस की कि क्यों ऐसा होता है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है ये क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुरू के जो दिन होते हैं उसमें आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब पोजीशन करेक्ट नहीं होती बेबी को दूध पिलाने की, जब आप सही तरीके से उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके लिए भी बिल्कुल नया होता है और बेबी के लिए भी बिल्कुल नया होता है, तो दोनों ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो कई बार जब वो पोजीशन करेक्ट नहीं होती, कई बार जब निपल ठीक से बच्चे के मुंह में नहीं जाता या वो निपल को ठीक से सक नहीं कर पाता, तो उस पोजीशन में ही मतलब उस वजह से आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम जो है वो आता है। फिर है कि कई बार स्किन में ड्राइनेस या एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो हो सकती है आपको आप जो कपड़े पहन रहे हो उसका जो डिटर्जेंट आप यूज़ कर रहे हो, कई बार उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार आपके परफ्यूम से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार आप जो लोशन यूज़ कर रहे हो बॉडी पे या जो क्रीम्स यूज़ कर रहे हो या जो सोप आप जो साबुन या बॉडी वॉश वगैरह यूज़ कर रहे हो, कई बार उन चीज़ों की वजह से भी आपको जो है क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि निपल की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और आप जब इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो जो बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, इसकी वजह से भी आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। फिर हम एसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, समर से तो एसी में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो उसका एयर होता है उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी आपको क्रैक निपल का प्रॉब्लम आ सकता है। फिर विंटर्स है तो हम लोग हीटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रूम को थोड़ा गर्म रखने के लिए, तो उस टाइम पे भी एयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ मॉम्स जो ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हैं उनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कई बार जब आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हो तो वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता, आप जैसे ही उसको लगाते हो तो उसकी जो स्पीड वगैरह है कई बार वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या जितना वो होनी चाहिए उतना वो नहीं होती है, कई बार उसके सेटिंग्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। तो बेसिकली अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रहे हो और किसी भी तरीके से अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको क्रैक निपल का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कई बार यीस्ट इन्फेक्शन आपके निपल में हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हुए कुछ रीजंस कि क्यों आपको इस तरीके का प्रॉब्लम मतलब क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम ना आए। तो रेमेडीज़ में सबसे पहले तो जो ब्रेस्ट मिल्क है मतलब जो आप बच्चे को मिल्क पिला रहे हो वही ब्रेस्ट मिल्क आप थोड़ा सा निकाल लो और उसको आप जैसे आपने बच्चे को फीड कराया और उसके बाद में वो फीडिंग सेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद में निपल को अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क आप निकाल लो। ब्रेस्ट मिल्क निकालने के बाद वो निपल पर आप थोड़ा सा लगा लो।
ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र की तरह ही काम करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे टाइम पे जब आपको क्रैक निपल्स है, अगर आप कुछ और लगा के देखते हो तो आपको हो सकता है कि वो नेगेटिव इफेक्ट कर जाए, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सूट नहीं होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पर। आप ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा निपल पर कंटिन्यूसली लगाते रहो, मतलब जैसे जैसे आपका फीडिंग सेशन ख़त्म होता है वैसे वैसे आप लगाते रहो, और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट आप कर सकते हो आइस पैक लगा सकते हो, थोड़ा सा मतलब बर्फ़ की सिकाई जिसको आप कह सकते हो वो भी आप कर सकते हो। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, थोड़ा सा आइस क्यूब आपने ले लिया, अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा सा डायरेक्टली आपने निपल पे लगा लिया, नहीं तो एक छोटा सा कपड़ा मतलब कॉटन का कपड़ा आपने ले लिया, उसमें थोड़ा सा आइस आपने रख लिया और उसकी पोटली सी बना ली और उसको निपल पे आप लगाओ, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर वो आपको फ्रेश मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। एलोवेरा आप लगा सकते हो, एलोवेरा से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। अगर फ्रेश एलोवेरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलते हैं, कोशिश करो कि मैं फिर से कहूँगी आपको प्योर और फ्रेश एकदम मिल जाए। अगर नहीं पॉसिबल है तो मार्केट से आप एलोवेरा जेल थोड़ा सा ला सकते हो, उसको भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपको क्रैक निपल में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। फिर थोड़ा थोड़ा मसाज आप करते रहो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ड्राइनेस भी अगर आपको है तो ड्राइनेस की वजह से भी आपको क्रैक निपल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा मसाज आप कर लो। आप ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, अच्छा आप ऑलिव ऑयल ले लो, आप जोजोबा ऑयल ले लो, या जो भी ऑयल आपकी स्किन को बेसिकली सूट होता है, जैसे समर्स है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी ऑयल आपको लगता है या जिससे भी आप मसाज करते हो आपकी स्किन की, आपकी स्किन को जो ऑयल सूट हो रहा है उससे आप निपल को अपने ब्रेस्ट को थोड़ा सा मसाज दे सकते हो, जिससे उसमें ड्राइनेस नहीं रहे तो क्रैक निपल का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर कुछ क्रीम्स आती हैं मार्केट में क्रैक निपल के लिए स्पेशली, तो अगर आप वो क्रीम के लिए जाना चाह रहे हो तो ये देख लो कि लेनोलिन बेस्ड वो हो, मतलब लेनोलिन उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो उस क्रीम के अंदर है, मतलब क्रैक निपल्स के लिए स्पेशली क्रीम्स आती हैं, बट आप इंग्रेडिएंट थोड़ा सा देख लेना कि उसमें लेनोलिन हो तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो उसमें है तो वो क्रैक निपल्स के लिए क्रीम्स बहुत अच्छे होते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने बात करी कुछ होम रेमेडीज़ की और कुछ क्रीम की कि आप वो भी उस पर लगा सकते हो अगर आपको क्रैक निपल का प्रॉब्लम है, बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आपको क्रैक निपल है तो भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक अगर आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम नहीं आया है तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलोगे तो ये आगे आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। तो जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने लगे हो, आप हमेशा अपने हैंड वॉश करो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम आपको अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो आपके हैंड्स हमेशा मतलब आपके हाथ हमेशा धुले हुए होने चाहिए। रीज़न ये है कि आप जब हाथ यूज़ करते हो निपल पे या ब्रेस्ट पे तो उससे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराओ उससे पहले आपके हैंड वॉश ज़रूर होने चाहिए। फिर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगे हो तो आपका पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होने चाहिए। और सपोज़ आप बेड पे बैठे हो तो अच्छे से आप पीछे एक दो पिलो लगा लो जिससे आपको अच्छे से सपोर्ट मिल जाए। आप बिल्कुल सपोर्ट के साथ बैठो, कंफर्टेबल तरीके से बैठो। फिर बच्चे को भी जब आप गोदी पे ले रहे हो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए तो बच्चा भी बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कभी भी डाउन नहीं होना है, हमेशा बच्चे को थोड़ा सा ऊपर करना है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। बच्चे का सिर जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, और बच्चे को आपको निपल के पास लेके आना है, बिल्कुल आपको नीचे डाउन नहीं होना है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो बेसिकली जब आप दूध पिलाने लगे हो तो आपको कंफर्टेबल रहना है, आपको बच्चे को कंफर्टेबल रखना है, और ताकि वो जब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉब्लम आती है जब वो पोजीशन करेक्ट नहीं होता, जब निपल अच्छे से बच्चे के मुंह में नहीं जा पाता है, वो सक उसको ठीक से नहीं कर पाता, उस केस में भी जो है क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, आप खुद कंफर्टेबली बैठोगे, बच्चा कंफर्टेबल होगा, वो कंफर्टेबल तरीके से दूध पी पाएगा, तो आपको ये क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि कभी भी आप ब्रेस्ट को और निपल को बिल्कुल ड्राई नहीं होने दें। जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है तो मैंने बताया उसकी वजह से भी आपको क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है, तो टाइम टू टाइम आप उसको मॉइस्चराइज करते रहो। आप मॉइस्चराइज या तो मैंने आपको बताया आप ब्रेस्ट मिल्क से कर सकते हो, या फिर आप जैसे मसाज किसी ऑयल से करते हो तो उसे वो मॉइस्चराइज रहेगा। उसके अलावा अगर आप कोई और मॉइस्चराइजर लगाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो।
फिर मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से भी जो आप यूज़ कर रहे हो आपके स्किन पे उसकी वजह से भी आपको क्रैक डिम्पल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक बार ये आप वो प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी पे, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्पेशली निपल एरिया पे आपको किसी भी तरीके का साबुन वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो सिर्फ पानी से ही अगर आप अच्छे से वॉश कर लेते हो तो बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। बहुत ज़्यादा हार्श सोप्स या बॉडी वॉश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लगाना चाह रहे हो तो जैसे बेबी सोप्स या बेबी बॉडी वॉश वगैरह होते हैं, इस टाइम पे आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे आपको क्या है, इचिंग वगैरह नहीं होगी या उससे आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब नहीं होगी अगर आपको क्रैक पिंपल्स का प्रॉब्लम है। तो ये प्रोडक्ट का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। फिर कुछ लोग जो है ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग को जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है तो उसकी वजह से उनको ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहो। बहुत लॉन्ग टाइम तक वो ब्रेस्ट पैड्स को आप यूज़ मत करो क्योंकि उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बेसिकली फ्रिक्वेंटली मतलब टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करते रहो। कुछ लोग निपल शील्ड्स भी यूज़ करते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम आप स्टरलाइज ज़रूर करते रहो। अगेन मैं कहूँगी आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसमें ड्राइनेस ना आए, उसको मॉइस्चराइज करके रखना है। तो निपल शील्ड भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो स्टरलाइज आपको उसको करके रखना है। फिर ऐसे टाइम पे जब आप फीडिंग स्टार्ट करते हो स्पेशली इनिशियल डेज में, कुछ लोग ब्रा वेयर करना पसंद नहीं करते हैं या ब्रा वेयर करना उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डे वन से ही आप ब्रा पहनो। आप बिल्कुल कंफर्टेबल आपका फिटेड ब्रा पहनो जो भी उस टाइम पर आपका साइज़ है। प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तो तब आपका साइज़ थोड़ा सा चेंज होता है, जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद आपका साइज़ चेंज होता है और ये टाइम टू टाइम साइज़ आपका चेंज होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आप थोड़ा सा इस टाइम पे अपना ब्रा का साइज़ देखते रहें और उसके अकॉर्डिंगली मतलब जो वेल फिटेड है उसी हिसाब से उसको पहने, क्योंकि ब्रेस्ट जब बहुत ज़्यादा लटक जाते हैं उसकी वजह से भी आपको कई बार क्रैक निपल्स का प्रॉब्लम आता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। कई बार कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर आपको क्रैक निपल्स हैं तो क्या आपको बच्चे को उस टाइम पे दूध पिलाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे को आप दूध डेफिनेटली पिला सकते हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ में हो रहा है, जो पेन है वो आपको हो रहा है, तो बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर वो पेन आपके लिए बेयरेबल है, मतलब अगर आप बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बच्चे को दूध पिलाते रहना है। आप थोड़ा सा उसको ट्रीट करते रहो साथ साथ, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते रहो जिससे कि आगे वो कंडीशन आपकी ख़राब ना हो। तो आप बच्चे को बेशक दूध पिला सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको दूध पिलाना चाहिए। अगर आप नहीं पिला पा रहे हो, पहली बात तो दूध पिलाना इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप दूध पिलाना उसको छोड़ दोगे तो बच्चा बहुत छोटा है अभी, और जब आप दूध पिलाना अपना छोड़ोगे तो डेफिनेटली उसको कोई अल्टरनेट दोगे, तो उस उतने टाइम के अंदर ही, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे बहुत छोटा है, तो जो अल्टरनेट आप उसको दोगे उसको उस चीज़ की आदत पड़ सकती है और आगे वो हो सकता है कि ब्रेस्ट फीड आपका ना ले। फिर दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराना अभी छोड़ देते हो तो ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। अगर बच्चा अभी दूध पीना छोड़ देता आपका तो फिर जो मिल्क सप्लाई है वो भी आपका कम हो सकता है या बंद हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को दूध पिलाने में, तो अभी कुछ टाइम के लिए, मतलब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बिल्कुल दूध पिला पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि ब्रेस्ट पंप के थ्रू और थोड़ा सा दूध निकाल के फिर बच्चे को पिला सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो बंद नहीं होगा या वो कम नहीं होगा, आप दूध बिल्कुल निकालते रहोगे तो अंदर उतना ही और प्रोड्यूस होता जाएगा। तो फिलहाल आप थ्रू बॉटल उसको पिला सकते हो, बट जल्दी से जल्दी आप ट्राई करो कि इसको आप ट्रीट कर लो और फिर से बच्चे को थ्रू ब्रेस्ट थ्रू निपल आप दूध पिलाना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना गैप आता जाएगा उतना ही बच्चे को आदत पड़ती जाएगी उस अल्टरनेट की जो अभी आप उसको दे रहे हो। तो कोशिश करो कि दूध पिलाते रहो, और नहीं पिला पा रहे हो तो 2-4 दिन जो भी आपको जो भी रेमेडीज़ आप कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए वो तब तक आप कर सकते हो, तो दूध उसको ब्रेस्ट से निकाल के फिर आप उसको पिला सकते हो। तो ये थे क्रैक निपल्स के लिए कुछ सॉल्यूशन और आपके लिए कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज़। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो ये आप ज़रूर ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको जो क्रैक निपल्स को ट्रीट करने में कितना आपको हेल्प मिला। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।